केदारनाथ से भारतीय जनता पार्टी की विधायक शैला रानी रावत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। मंगलवार 9 जुलाई की रात विधायक शैला रानी रावत का देहरादून के मैक्स अस्पताल में निधन हो गया। विधायक शैला रानी रावत के निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। विधायक शैला रानी रावत के अंतिम दर्शन के लिए 10 जुलाई सुबह उनके पार्थिव शरीर को बीजेपी के कार्यालय लाया गया, जहां बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं, मंत्रियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने शैला रानी रावत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके निधन पर गहरा दुख जताया। सीएम धामी ने कहा, शैला रानी रावत का जाना उत्तराखंड बीजेपी और प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे अपनी विधानसभा की जन समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। शैला रानी जी का अचानक इस प्रकार से हमारे बीच में से चले जाना, इस प्रकार से शरीर छोड़ देना, ये बहुत दुखद है। और उनका पूरा जीवन संघर्षशील जीवन रहा, अपने क्षेत्र से लोगों से हमेशा जुड़ी रही, उनके लिए लगातार संघर्ष करती रही और मुझे भी जब भी मिलती थी तो उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हर बार छोटी छोटी बातों से अवगत कराने का काम करती थी, उनके हल के लिए प्रयास करती थी। उनका इस प्रकार से चले जाना हम सब लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। बता दें कि शैला रानी रावत मिलनसार और सामाजिक तौर पर काफी एक्टिव थी। इसी साल हुए लोकसभा चुनावों में भी वो पौड़ी से सांसद चुने गए अनिल बलूनी के प्रचार में सक्रिय रही थी। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत का राजनीतिक सफर कांग्रेस से शुरू हुआ था। साल 2012 में केदारनाथ विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता था। हालांकि केदारनाथ त्रासदी के बाद साल 2016 में हरीश रावत सरकार के कार्यकाल में हुई पार्टी के अंदरूनी बगावत के दौरान उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही शैला रानी रावत को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक बार फिर जीत हासिल कर ली। विधायक शैला रानी रावत लंबे वक्त से बीमार चल रही थी। उनकी उम्र 68 साल थी। वे 2 दिन से मैक्स अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर के बाद हुई सर्जरी के बाद भी वे उबर नहीं पाई। उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार की स्थिति में उन्हें एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर ले जाने की तैयारी की गई थी, लेकिन उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था, जिसके बाद मंगलवार 9 जुलाई की रात उपचार के दौरान लगभग रात 10:30 बजे उनका निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।